और यहाँ भी माँ नदी जो है माता जी के दक्षिण से निकल कर उत्तर की ओर जाती है जी। और काशी इसमें उज्जैन में, उज्जैन में भी छिपरा जी जो है इससे दक्षिण से निकल कर उत्तर की ओर जाती है। प्रमाण ये तीनों मंदिरों में, और तीनों मंदिर एक से हैं, तीनों मंदिरों के पूरब में मुँह है, पत्थर की इनकी चौकट बनी हुई है। माँ के होने के विश्वास का उत्सव है नवरात्र, उत्सव जिसकी सिद्धि का दिन बताता है कि अन्याय कितना भी बड़ा हो, विजय की दशमी माँ की पूजा से ही होती है। नवरात्रि का पर्व एक ऐसा समय है जब हम शक्ति, भक्ति और माँ के आशीर्वाद का उत्सव मनाते हैं। यह नौ दिन माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों की आराधना का पर्व है, जो हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में कोई भी कठिनाई क्यों ना आए, माँ की कृपा से सब कुछ संभव है। नवरात्रि हमें विश्वास और शक्ति का संदेश देती है। यह पर्व बताता है कि जब भी जीवन में अंधकार और अन्याय हमारे सामने खड़ा हो, माँ दुर्गा की पूजा और आशीर्वाद से हम हर कठिनाई पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यह सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि एक भावनात्मक संबंध है जो हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानने और समाज में अच्छाई की स्थापना करने की प्रेरणा देता है। माँ के होने का एहसास ही सबसे बड़ा विश्वास है। जिस तरह माँ अपने बच्चों की रक्षा करती है, उसी तरह माँ दुर्गा हमारे जीवन की हर बाधा को दूर करती है। नवरात्रि का यह उत्सव हमें सिखाता है कि चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती हो, यदि हम सच्चे मन से माँ का स्मरण करें और उनकी पूजा करें, तो हमारी हर समस्या का समाधान मिल सकता है। आज हम आपको ऐसी ही शक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं, जहाँ भक्त अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए उल्टी परिक्रमा लगाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में स्थित बैरसिया तहसील के ग्राम तरावली कला, जहाँ पर माँ हरसिद्धि का मंदिर स्थित है। माँ हरसिद्धि, आपका नाम बता दीजिए। हमारा नाम बहन गुलाब है। समिति इसकी देख रेख कर रही है, व्यवस्थापक समिति। माता जी ये पहले काशी जी में थी, इनका स्थान है आज भी अन्नपूर्णा जी के नाम से। राजा विक्रम जी को अमृत की आवश्यकता थी उज्जैन ले जाने के लिए। ढूंढते अमृत की खोज में राजा विक्रम काशी पहुंचते हैं, और काशी में राजा विक्रम जी पहुंच करके वहाँ के कर्ण राजा थे। सवामन सोना माताजी से लेकर के नित प्रतिदिन दान कर दी थी। इनको पता लगा कि वहाँ पर राजा विक्रम को कि काशी के नरेश जो इनके पास रोजाना माताजी इनको जीवित करती है और अमृत भी है, तो माताजी के और काशी के जब वहाँ पहुँचते हैं, इनने देखा राजा करण को कि नित प्रतिदिन माताजी ये सोना लेकर के और गरीब भिखारियों को दान कर दी। इनको अमृत का जैसे ही पता लगा, इनने अपनी युक्ति से वैसे ही नियम किया जो राजा करण करते थे, और करने के बाद में माता जी से जो है चौसठ योगनी ये पीछे जो माता जी के हैं ये वहाँ काशी से आई हुई है। माता जी के साथ ही पूरा सब भैरव जी से लेकर के चौसठ योगनी, हनुमान जी, जितने भी यहाँ देवी देवता हैं, ये मेरे की माता है।
ये सारे देवी देवता माता जी के साथ आए काशी जी से। तो वहां पर राजा विक्रम ने जब देखा कि अमृत के द्वारा इस तरह से नित प्रतिदिन उबलते हुए कड़ाव में अपना शरीर डेली डालते हैं, उसके मांस से 64 उंगली खा करके इनको सभा में सोना देती, राजा विक्रम ने भी एक दिन ऐसा ही किया। देव बताते हैं कि राजा विक्रमादित्य अमृत की खोज में काशी पहुंचे थे। यहाँ माता जी के साथ भैरव बाबा, 64 योगिनी माता, हनुमान जी भी काशी से पधारे। राजा विक्रमादित्य अमृत के लिए देवी माँ को प्रसन्न कर 3 वर मांगे। पहला अमृत का कलश, दूसरा सोने का झंझर और तीसरा उज्जैन चलने का निमंत्रण। तरावली स्थित माँ का धाम हर सिद्धि के नाम से देश भर में प्रसिद्ध है। बताया जाता है कि साधारण रूप से श्रद्धालु यहाँ भी सीधी परिक्रमा लगाते हैं, लेकिन जिनकी कोई विशेष कामना होती है वह उल्टी परिक्रमा लगाकर माता के दरबार में अर्जी लगाते हैं। इसके बाद जब उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है तब श्रद्धालु माता के दरबार में पहुंचकर सीधी परिक्रमा लगाते हैं। माता जी के 3 स्थान हैं, एक उज्जैन में है, इनका शहर है, यहाँ पर माता जी की धड़ की पूजा होती है, तराजू और विश्वनाथ काशी में जो है इनके चरणों की पूजा होती है। 3 ये स्थान है और तीनों एक से हैं। काशी जी में माता जी जो है दक्षिण से निकल के गंगा, काशी जी में माता जी के चरणों की पूजा होती है और वहाँ माता जी का मंदिर है विश्वनाथ जी के पास। गंगा जी वहाँ भी उत्तर से निकल के दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है पीछे से मंदिर, और यहाँ भी माँ नदी जो है माता जी के दक्षिण से निकल कर उत्तर की ओर जाती है जी। और काशी इसमें उज्जैन में, उज्जैन में भी छिपरा जी जो है इससे दक्षिण से निकल कर उत्तर की ओर जाती है पीछे से निकल। ये प्रमाण है तीनों मंदिरों में, और तीनों मंदिर एक से हैं। तीनों मंदिरों के पूरब में मुँह है, पत्थर की इनकी चौकट बनी हुई, लकड़ी नहीं बनी और चूने से बनी हुई, कम से कम 1 पुरुष की लकड़ी 1 गज से ज़्यादा चूने पुराने जमाने की बनी हुई, जिसने भी बनवाई हो, राजा विक्रम ने बनवाई हो या उस समय अहिल्याबाई ने बनवाई हो या जिसने भी जो भी राजा रहा उस टाइम पर जब मंदिर बनी थी तो एक ही राजा ने 3 मंदिर बनवाए। उज्जैन से भी लोग यहाँ मन्नत करने के लिए आते हैं माता जी की, काशी से भी मंदिर करने के लिए आती है माता जी के यहाँ, और यहाँ विशेष एक बलि दी जाती है माता जी के तत्व, क्योंकि राजा विक्रम ने माता जी को अपने सिर काट काट के चढ़ाया था, इसलिए माता जी ने अपना सिर दिया के लिए आप उज्जैन लेकर के जाइए। जो आज भी उज्जैन माता जी सिद्ध पूजा होगी, छपरा जी से बिल्कुल लगती ऊपर जैसे ही आप आएंगे बड़े बड़े 2 दीपिकाएँ लगी हुई इसके पास ही माता जी का मंदिर है। गुरुदेव कितने साल पुराना इतिहास है माता जी के इस मंदिर का? इसमें तो 2075 तो राजा विक्रम को लगभग हो गए हैं, सन का जो संबंध है उसी हिसाब से 2075 तो हो ही गए हैं। अब इसके पहले कब बना ये तो अपने को पता भी नहीं, ये तो इतिहास जो है पावागढ़ में इनका लिखा हुआ है। अभी आप गुजरात जाएंगे पावागढ़ तो वहाँ पर माता जी का इतिहास, आज भी माई 1 वर्ष में 1 दिन पावागढ़ में जाती है, उस दिन की रौनक वहाँ का सीन कुछ अलग हो जाता है, वहाँ के लोग अपने को आज भी बता दिए। पावागढ़ से जो है राजा काशी जो है नरेश थे वो लेकर के आए थे माता जी, वहाँ से पावागढ़ गुजरात से काशी ले रहे थे, और काशी से राजा विक्रम जो है माता जी को लेकर के उज्जैन जा रहे थे। और ये वादा था जब सवेरा हो जाएगा हम भर जाएंगे, तरावली में सवेरा हो गया माता जी घर के लिए, यहाँ से फिर राजा विक्रम ने तपस्या की और करने के बाद जब से काट काट के चढ़ाए तो माँ भगवती ने अपना सर दे दिया किसको लेकर के आप जाएंगे, वहाँ भी सवेरा हो जाएगा तो हम जाएंगे, तो वहाँ भी देखिए आप उज्जैन में प्रवेश नहीं किया, वहाँ भी एक टापू के ऊपर माता जी होगी, यहाँ भी देखिए आप टापू के ऊपर ही, और काशी जी में भी टापू के ऊपर इतना ही टापू है लगते ज़्यादा ऊँचे नहीं किसी को दिक्कत आ वहाँ तक पहुँच गई, आप देखो विशेषता कितनी मिलेंगी आप, तो यहाँ भी इनको बाल बच्चे नहीं होंगे, इनको शारीरिक तकलीफ होती है,
चुनाव लड़ते हैं विधायक सांसद से लेकर मंत्री दुनिया भर की, बाहर से लोग आते हैं हमारे यहाँ मन्नत करने के लिए, कई लोग यहाँ के नेता बन बन के चलेगा, कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, डॉक्टर शंकर दयाल राष्ट्रपति बन के गए, लक्ष्मी नारायण जी उनकी मतलब लगभग 30 साल तक या 35-30 साल तक यहाँ के विधायक रहे, एक छात्र कोई नहीं हरा था। तो यहाँ आता है कई लोग आते चुनाव लड़ने के लिए, दिलवे सिंह जी भी लड़े माने बीजेपी की बार, ये तो आस्था का केंद्र है, कहने से नेताओं पे नहीं भक्तों पर है, सभी भक्तों पर मानेंगे आप, वो नेतागिरी से खड़ा रहे या और भी अन्य कोई जो उसकी मनोकामना हो उससे खड़ा रहे, बाल बच्चों की हो या तकलीफ हो या जो भी हो उसका कोई जान सकता मन में क्या, मतलब हर वक्त की मनोकामना पूर्ण करती है माता जी, माता जी मनोकामना पूर्ण करती है, हर सिद्धि जी जिसको जो सिद्धि लेना हो गया सब चीज मिलती है। माँ हर सिद्धि जिनका नाम ही बताता है कि वह हर संकट को हरने वाली और सिद्धि प्रदान करने वाली है, शक्ति और आशा का प्रमुख रूप है। माँ हर सिद्धि की महिमा उनके भक्तों के लिए असीमित है, उन्हें शक्ति की देवी के रूप में पूजा जाता है, जो जीवन की हर कठिनाई मोड़ पर हमें साहस, संकल्प और विजय प्रदान करती है। तुम लोग भी आए तो अचानक आए होंगे, आज सोचे ही नहीं होगा कि अंतराली जाना है, बताइए तुमसे पूछ रहे हैं, तुमसे ये पूछ रहा है ये बात सही है या गलत है? सही है ना जी महाराज, आज तुमने सोचा नहीं होगा अंतराली जाना, अचानक आकर के यहाँ खड़े हो गए, ये क्या है? वही है, उनकी कृपा है, जिसको खींचना होता है उसने सोचा नहीं, और जो 8 दिन से सोच के बैठा वो आ ही नहीं सकता है, तुम अभी कह के चले जाओ हम कला जाएंगे, आ ही नहीं सकते हम बाहर, नहीं सही है, और तुम ये कह के जाना कि माता जी बुला लेना आप चाहो तब हमको सही लौट के जाओ, सही कोई कारण हो जाए, ये यहाँ की बहुत माता की कृपा है भक्तों। गुरुदेव नवरात्रि में काफ़ी भक्त आते होंगे, जमावड़ा लगा रहता होगा, आते हैं कि उनकी अपन क्या गणना कर सकते, इसकी गणना तो माता जी ही कर सकती है ना, काफी लंबी लंबी लाइनें लगती होगी, लंबी लाइनें रहती है। वैसे भक्त भक्त दूर से आते हैं तो उनको कितने समय में दर्शन हो जाते होंगे? वैसे तो आधे घंटे में लगभग सभी को दर्शन हो जाने चाहिए जो लाइन में लगी हुई होती है जी, तो जैसे एक बार लाइन में लगता है तो आधा घंटा तो कम से कम लग ही जाता है दर्शन करने में, अब जो इसके बाद पीछे लगेंगे उनको भी आधा घंटा लगेगा, इस तरह से आधे घंटे मात्र में जो भक्त लाइन से आते हैं उनको दर्शन हो ही चले जाते हैं। जय माई की गुरुदेव, बस इतनी जानकारी चाहिए थी हमें आपसे। यहाँ भक्तों की भक्ति, आराधना और विश्वास हमें सिखाता है कि जीवन में कोई भी कठिनाई क्यों ना आए, माँ हर सिद्धि की कृपा से सब कुछ संभव है। माँ हर सिद्धि सभी प्राणियों में शक्ति के रूप में प्रकट रहती हैं। माँ हर सिद्धि अपने अंदर की शक्ति को पहचानने और आपको अनंत संभावनाओं को जगाने में मदद करें। जय माता दी।